जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, नया लहसुन की आवक देख लेते हैं। ऊँटी की क्या आवक बनी है? लगभग 250 बोरी के आसपास में आवक है हाल फिलहाल, तो आवक बढ़ सकती है। नए मालों की देखते हैं क्या आवक देख सकते हैं ऊँटी लहसुन की। ये ऊँटी लहसुन नया सूखा माल लेकर आए हैं और माल सूखा कर लाए हैं। नया लहसुन कहाँ से हो दादा? जयसिंहपुरा बड़ी सादड़ी। जयसिंहपुरा बड़ी सादड़ी से हैं। कब बुआई करी थी लहसुन की? ये अक्टूबर में। अक्टूबर का माल लेकर आए हैं। और ये अभी सिर्फ छांट के लाए हो कि क्या है? नहीं, अंदर से छांट के लाए। छांट के लाए, बाकी आवक कब लाओगे नई वास्तविक? अगले सप्ताह तक अच्छा आएंगे। तो रोजाना नया माल बेचते रहे हैं क्योंकि नए माल के बाजार अभी काफ़ी आकर्षक है और ये रोज़ नहीं दे सकते हैं। और एक ये दाथरा टाइप का माल है, छटनी वाला माल है। तो दोस्तों, बड़ी सादड़ी वाला माल लगभग एक हफ्ते के बता रहे हैं, एक हफ्ते बाद से आवके चालू हो जाएगी। नए लहसुन की आवक देख सकते हैं, ऊँटी मालों की आवकें आ रही है। आवक तो आज भी कम है नीमच मंडी में नए लहसुन की। और ये देख सकते हैं एक शहर है, कहाँ से हो दादा? कटे थी हो? अठाना से हो। और बुआई कब करी थी नए लहसुन की? दशहरे पे करी थी। माल आज लेकर आए हैं। और बुआई कैसी है गत वर्ष से कैसी बुआई है? बढ़िया है। फसल कैसी है? तगड़ी फसल है। तो दोस्तों, हमारा निवेदन रहेगा, यदि माल आपका पक जाता है तो पके हुए माल को बेचना लाभप्रद है, ना कि स्टॉक किया जाए। नए मालों के भाव बहुत आकर्षक है गीले मालों के। और ये दातरा टाइप का माल है, एक और ढेर है, तो कुछ ढेर की आवकें बनी हैं। माल लगातार बेचते रहें, बेचने में फ़ायदा है नए लहसुन को, क्योंकि नए लहसुन के भाव काफ़ी आकर्षक है अभी। और नए लहसुन में हाइड्रो का उपयोग न करें, एक ये निवेदन रहेगा। एक और ढेर है, बहुत सारे ढेर हैं नए लहसुन के आस पास, मगर सारे छोटे छोटे ढेर हैं। और ये भी ढेर एक और देख सकते हैं, ऊँटी लहसुन की आवके हैं लगभग। तो और ये एक और ढेर देख सकते हैं। तो हमारा निवेदन रहेगा, हाइड्रो का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये गीला माल है, देख सकते हैं माल है और ट्राली में। और सील है बिल्कुल ट्राली में। और कहाँ से हो दादा? रूपपुरा से हो। नया लहसुन लेकर आए, बुआई कब करी थी? सितंबर सितंबर का माल है दोस्तों। और सितंबर की आवके आने लग गई है ऊँटी लहसुन की, और हाइड्रो डाल के लाए। हमारा निवेदन है, हाइड्रो का उपयोग न करें, क्योंकि हाइड्रो का उपयोग करने से लहसुन डायरेक्ट खाने में जाता है और हाइड्रो एक तरह से जहर का काम करता है। तो इसमें हाइड्रो डला हुआ है। हमारा तो निवेदन रहेगा आपसे, हाइड्रो का उपयोग बिल्कुल ना करें। सफ़ेदी ज़रूर आ जाती है लहसुन की हाइड्रो से, मगर शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो यही निवेदन रहेगा, हाइड्रो का उपयोग ना किया जाए। सकते हैं दोस्तों, एक और ढेर नया लहसुन का, ऊँटी लहसुन की आवके लगातार आ रही है। बड़े बड़े ढेर हैं, अच्छा माल है। पके हुए माल भी आ रहे हैं, सूखे माल भी आ रहे हैं और गीले माल भी आ रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन रहेगा, आप नई फसल आ रही है, हाइड्रो का उपयोग बिल्कुल ना करें। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। और पुराना है? ठीक है जी। और नए लहसुन की आवक ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों, नए लहसुन की आवक और देख सकते हैं। और कहाँ से हो दादा? कहाँ पर आ गया? जावत तहसील का है दोस्तों। नया लहसुन कब बुआई करी थी? ये 18 सितंबर। 18 सितंबर। तो दोस्तों, अभी सितंबर वाले माल की आवके आ रही है और अक्टूबर की मान के चलिए, फरवरी कल से स्टार्ट हो रहा है, तो 10-15 फरवरी के आसपास अक्टूबर की भी आवक मिल सकती है। हाइड्रो का उपयोग ना करें दादा, बिल्कुल हमारा निवेदन रहेगा, क्योंकि नया लहसुन आने लग गया है। हाइड्रो एक तरह से जहर का काम है और लहसुन का सीधा उपयोग खाने में जाता है, और हाइड्रो को अपन खा नहीं सकते हैं क्योंकि सफ़ेदी ज़रूर आती है लहसुन की, 2-5 रुपये ऊपर ज़रूर मिलता है। हाइड्रो के उपयोग से वाइटनेस मिल जाती है माल में, ये इस टाइप का वाइटनेस मिल जाएगी, मगर उपयोग ना करें। हाँ, ये तो बिना हाइड्रो उसमें है हाइड्रो को दोस्तों, सफ़ेदी ज़रूर आ जाती है, मगर हमारा निवेदन रहेगा, हाइड्रो का उपयोग ना करें। तो 17 की आवके आ रही है और लगभग 200 बोरी के आसपास हाल फिलहाल तो पक्की आवक है नए लहसुन की। एक और ये ऊँटी माल है, सूखा हुआ माल है, तो आवके बन रही है नए लहसुन की। वैसे तो बहुत कम है नीमच में हाल फिलहाल मंदसौर के मुकाबले तो। और ये इसमें हाइड्रो का उपयोग किया हुआ है, और हमारा तो यही कहना है, हाइड्रो का उपयोग ना किया जाए, इसमें हाइड्रो का उपयोग किया गया है। और ये ढेर देख सकते हैं आप, बड़े बड़े ढेर हैं, और नए के भाव काफ़ी अच्छे हैं, आकर्षक भाव है, तो नए मालों को बेचना बहुत अच्छा रहेगा, जो वर्तमान के भाव आकर्षक चल रहे हैं उसके ऊपर।